मेवात में हुई वंपर वोटिंग प्रदेश में टॉप 3 में शामिल, मेवातियों ने बनाया वोटिंग का रिकॉर्ड। बता दें हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान शाम 6 बजे थम गया। विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मेवातियों ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। चुनाव आयोग ने अधिक से अधिक वोटिंग की अपील हरियाणा भर के लोगों से की थी। टॉप 3 जिले में हरियाणा का नूह जिला भी शामिल बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नूह विधानसभा में 73.6%, फिरोजपुर झिरका विधानसभा में 72.2%, पुनाना विधानसभा में 69.1% मतदान दर्ज किया गया है। समाचार लिखे जाने तक जिले में कुल मतदान प्रतिशत 71.7% बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा में सबसे ज्यादा यमुनानगर में वोटिंग हुई है, उसके बाद नूह जिला वोटिंग प्रतिशत में नंबर 2 पर कायम बताया जा रहा है। जिले के अधिकतर मतदान केंद्रों पर वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और पोलिंग पार्टियां ईवीएम मशीनों को लेकर राजकीय कन्या महाविद्यालय सालाहिडी में बनाए गए स्ट्रांग रूम के लिए लेकर रवाना हो गई, जहां उनको कड़ी निगरानी में रखा जाएगा। चुनाव अगर की बात करें तो नूह जिले में पुनहना विधानसभा में ख्वाजली कला गांव तथा कुलालता गांव शामिल है। इनमें न केवल पथराव की खबरें सामने आई बल्कि दो नेताओं के समर्थकों में हाथापाई भी हुई। कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद इलियास तथा निर्दलीय उम्मीदवार रईसा खान के समर्थक आपस में भिड़े हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने सूचना मिलते ही मोर्चा संभाला और स्थिति को नियंत्रण में करते हुए मतदान को सुचारू कराया। इसके अलावा नूह विधानसभा के चंदनी गांव में कांग्रेस उम्मीदवार आफताब अहमद तथा एनडीए नेशनल लोकदल उम्मीदवार ताहिर हुसैन के समर्थक आपस में भिड़ गए। कई लोगों को हल्की फुल्की चोटें आने की खबर मिली है, लेकिन गनीमत यह रही कि कहीं भी कोई बड़ी अप्रिय घटना सामने नहीं आई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। दरअसल अर्धसैनिक बलों की 13 कंपनियों सहित कुल 3000 पुलिस के जवान सुरक्षा के लिए इस बार फील्ड में उतारे गए थे। जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की रणनीति चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में सफल रही। अब देखना यह होगा कि आगामी 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती के दिन कितनी जीत किसकी जीत होती है और किसको हार का मुंह देखना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति इस जिले में बेहतर दिखाई पड़ रही है। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।